चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मुझसे मिलने के लिए किसी को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा दरबार, मेरा घर, छोटा सा घर है लेकिन वो मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है मेरी जनता के लिए, मेरे मुजफ्फरनगर वासियों के लिए। ये और जो पार्टियाँ हैं सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, मतलब वोटर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि महिलाओं का दर्द मैं ही समझ सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि पढ़ाई लिखाई के लिए या उनकी हेल्प के लिए अलग से टीम गठित करूँ। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में हैं और जिला मुजफ्फरनगर में मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सभी उम्मीदवार निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हमारे साथ है जो वो भी मुजफ्फरनगर चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर मैदान में है और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके निकाय चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस प्रत्याशी बिल्किस चौधरी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम महिलाएं दिखती हैं ऐसी जो चुनाव में इस तरह से खुल के सामने आ रही हैं। आपने ये साहस, ये उम्मीद कैसे आपने अपने अंदर जगाई? देखिए, मैं लगभग 23-24 साल से सक्रिय राजनीति कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी में। उससे पहले मैंने पर्यटन संस्था में काम किया। उससे पहले निर्मल देश पांडे जी, जिन्होंने 40,000 किलोमीटर पदयात्रा विनोबा भावे जी के साथ की थी, मैंने उनके साथ में सूचना के अधिकार पे काम किया, राइट टू एजुकेशन पे काम किया, मैंने राइट टू फूड बिल पे काम किया। तो मुझे सोशल वर्क का करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएँ सुनकर उनका समाधान करने में अच्छा लगता है मुझे। तो पार्टी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर आस्था जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, ब्रजलाल खाबरी जी ने, नसीमुद्दीन जी ने, हमारे विदित चौधरी जी ने और यहाँ के जिला और शहर अध्यक्ष जी ने जो मुझे उन्होंने कैंडिडेट बनाया और उन पर मुझे विश्वास जताया और यहाँ की जनता ने भी मुझ पर विश्वास जताया है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, दुराल मिल रहा है, क्योंकि एक मैं ही ऐसी प्रत्याशी हूँ जो तीन लोग और चार लोग खड़े हैं, उनकी महिलाएं घर में बैठी हैं, वो हाउसवाइफ हैं, उनके पति जो है वो फील्ड में हैं और उनसे मिलने के लिए, ये देख लीजिए, उनसे मिलने के लिए पहले उनके पतियों की परमिशन लेने की ज़रूरत है। मुझसे मिलने के लिए किसी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा दरबार, मेरा घर, छोटा सा घर है लेकिन वो मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है मेरी जनता के लिए, मेरे मुजफ्फरनगर वासियों के लिए। आपने सही कहा कि आप किसी भी प्रत्याशी को देखेंगे, उनके प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उनके पति है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई महिला बहुत ही कम सामने आई है इन चुनावों में जो खुद आके ऐसे नगर निकाय चुनाव में खुद आगे लीडरशिप ले सकती है। मेरा बस आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप कैसे नगर निकाय चुनाव में जो जनता के मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान में? देखिए, सबसे पहले जो नगर पालिका निकाय चुनाव है, नगर पालिका जो काम होता है, स्वच्छ पानी देना, अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें, नाली और टाइम पर उनका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में उन्हें रियायतें देना, सही उन पे जो है कार्य करना और जो ये कूड़ा घर हैं आसपास के, जो कूड़ा गलियों में इकट्ठा होता है, गलियों के खंभों पे आपने देखा होगा, किसी भी खंभे के पास बहुत सारा, एक पड़ोसी डाल देता है फिर दूसरा डाल देता है, वो ढेर लग जाता है और कुछ कूड़े वाले भी वहीं पर डाल के चले जाते हैं। तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी कि जितने भी कूड़ा हैं जो गली मोहल्लों में पड़े हैं, सबसे पहले एक बड़ा कूड़ा घर शहर से दूर बनाया जाए ताकि वो उड़ के लोगों के, गली वासियों के, मोहल्ले वासियों के घरों में ना जाए, वो कूड़ा घर एक दूर बने, रोज़ साफ सफाई हो और स्वच्छ पानी मिले। ये जो बिजली के तार बीच में सड़कों पे लटके हुए हैं, खंभों पे लटके हुए हैं, आवारा पशु या गायें सड़कों पे मर जाती हैं करंट आने से, तो वो सुचारू रूप से हों, मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी। आपने साफ सफाई, कूड़े करकट की बात की, क्या मुजफ्फरनगर में इस तरह के जो आजकल नई तकनीकें हो रही है, ऐसे वेस्टिंग स्ट्रीट प्लांट जो होते, ऐसी व्यवस्था क्या पिछले जो चेयरमैन रहे या कोई भी रहा हो, इस तरह की व्यवस्था कर पाए हैं या नहीं? आपके एजेंडे में इस तरह की चीज़ें है या अभी? हाँ, मेरे एजेंडे में है, मेरे एजेंडे में एक मक्की नगर है यहाँ पर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ा घर मतलब प्लांट है, तो वो जो कूड़ा है वो मेन बस्ती में है, उसके चारों तरफ घर हैं, मतलब उसकी जो बदबू है ना वो यहाँ सिटी तक आती है, उसकी बदबू सिटी तक आती है, परेशानी होती है जब हल्की सी भी हवा चलती है तो कूड़ा उड़ के लोगों के घरों में आता है और बदबू पूरे शहर में फैल जाती है। मेरे सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होगी वो कूड़ा घर कम से कम 10 किलोमीटर शहर से दूर ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, मैं वहाँ गई हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। मुझे वहाँ जाने के बाद में वोमिटिंग हुई क्योंकि मैं
उन लोगों की आभारी हूँ और उनकी हिम्मत मानती हूँ कि इतनी गंदगी में वो लोग कैसे जी रहे हैं। वहाँ का माहौल इतना गंदा है, मतलब कूड़े का बिल्कुल बदबू, मरे हुए जानवर, आवारा पशु मरे हुए ऐसे खुले पड़े हैं वहाँ पर। तो मेरी पॉइंट ये रहेगी कि वो कूड़ा घर दूर जाए। सबसे पहले देखिए आदमी का जो है स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें मिले, ये प्रायोरिटी नगर पालिका की होती है। तो मैं सबसे पहले यही कार्य करूँगी। मैं कोशिश ये भी करूँगी कि जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या पानी का बिल जमा करने महिलाएं जाती हैं, जैसे मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं को दर्द समझ सकती हूँ, तो एक काउंटर अलग खुलवाऊँगी ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, जाती सबसे पहले उनका काम। आपने कहा कि आप एक महिला भी हो, साथ साथ आप एक वकील भी है, आप मुजफ्फरनगर की उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए आप किस तरह से सोचते हैं कि उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं या उनकी पढ़ाई लिखाई की इस तरह की स्थितियां, आप उसको आप कैसे देख रहे हैं, आप आगे कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए मैंने पहले साक्षरता अभियान में मैंने पढ़ाया है महिलाओं, बुज़ुर्ग महिलाओं को, जो अनपढ़ महिलाएं होती थी उनको मैं पढ़ाती थी, 4 से 7 बजे तक रात शाम के टाइम हम लोगों ने पढ़ाते थे। तो मैं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। मैं यही भी कोशिश करूंगी कि महिलाओं के लिए अगर मेरे हाथ में कुछ आता है तो मैं सबसे पहले गरीब मजदूर महिलाओं के लिए एक, मैं सोच रही हूँ वकीलों का पैनल भी बनाऊँ जिससे उन्हें पूरे NCR से एक एक वकील लूँ ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें फ्री विधिक सहायता मिल सके। और उनके पढ़ाने के लिए जैसे साक्षरता के छोटे छोटे ये चलते हैं, हालांकि ये मेरे अंडर में नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी क्योंकि महिलाओं का दर्द मैं ही समझ सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि पढ़ाई लिखाई के लिए या उनकी हेल्प के लिए अलग से टीम गठित करूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, भारत को ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से इस देश में अपनी हिस्सेदारी दे सकती है, तो ये जो हिस्सेदारी कम है इस देश में, आप संसद में देख लो, विधानसभा में देख लो या नगर निकाय चुनाव में आप देख लो, तो आप इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, महिलाओं को किस तरह आगे आना चाहिए? देखिए महिलाओं की बात तो सब करते हैं, वोट सबको चाहिए, लेकिन महिलाओं को आगे आने का अधिकार जो है कोई भी पार्टी नहीं दे पाती। देखिए अभी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने नगर निकाय पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया, और अभी प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे। ये और जो पार्टियां हैं सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, मतलब वोटर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें टिकट देने में या भागीदारी में, टिकट के नाम पर ये जो राजनीति लोग होते हैं उनकी पत्नियों को, उनकी बहनों को, उनकी माओं को ले आते हैं और फिर राजनीति वही करते हैं। मेरा मानना है जो आपके संगठन में महिलाएं हैं जो वर्क करती हैं, जो चादर बिछाने से, दरी बिछाने से लेकर झंडा उठाने का काम करती हैं, जहां संघर्ष करती हैं, तो उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया। आप मुजफ्फरनगर के कई सारे मुद्दे होते हैं, विकास का एक बड़ा मुद्दा है, तो आप ऐसे मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं, आगे कैसे आप सोच रहे हैं कि विकास हो, किस तरह से चीज़ें बढ़नी चाहिए मुजफ्फरनगर में, या किन चीज़ों की, किन व्यवस्थाओं की अभी भी कमी है मुजफ्फरनगर में? देखिए हमसे पहले भी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने काफ़ी सड़कें अच्छी बनवाई हैं, चौक पे कलश बनवाना, उनकी साफ़ सफाई, उनका मतलब बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है विकास की, बहुत ज़रूरत है स्वच्छ पानी की, बहुत ज़रूरत है नालियों की, सड़कों की और गड्ढों की। तो मेरा प्रायोरिटी यही रहेगी कि सबसे पहले अपने मुजफ्फरनगर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाऊँ। बस एक सवाल और, कहीं ना कहीं आप वकील भी है, जैसे आपने कहा वकील भी है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सपना था कि इस भारत के इस विकास में, भारत के विकास में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी हो, लेकिन आज के दौर में आप कैसे आप देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति, आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए महिलाओं ने आज़ादी से लेके, आज़ादी में भी अगर जितना पुरुषों ने सहयोग दिया है देश को आज़ाद कराने में, उतना ही महिलाओं ने दिया है, लेकिन ये सोच की बात होती है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें भी अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए और पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं को उन्हें बराबर का अधिकार दें ताकि वो फिर से कंधे से, अब देखिए एरोप्लेन से लेके, चांद से लेके, मशीन तक, गाड़ी तक, मेट्रो तक महिलाएं चला रही हैं, तो महिलाएं अब कमज़ोर नहीं हैं, सशक्त हैं, और ये सब पार्टियों को समझना पड़ेगा। हमारी जो है प्रियंका गांधी जी इस पर काम कर रही हैं, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं। आपका क्या मैसेज है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की जनता से? मेरा यही मैसेज है कि आप ऐसा कैंडिडेट चुनें जो आपके बीच का हो, जिससे मिलने के लिए आपको किसी नेता की परमिशन की ज़रूरत ना हो, किसी नेता के यहाँ गुहार ना लगानी पड़े, ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो विकास कर सके, आपका दर्द समझ सके, आपके बीच रह सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
हम लोग मुजफ्फरनगर में थे और हमने यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बिल्किस चौधरी जी से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है, क्या जनता के बीच हो, किस तरह के कार्य लेकर इस बार जनता के बीच है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। के लिए किसी को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा दरबार, मेरा घर छोटा सा घर है लेकिन वो मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है मेरी जनता।